बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रही है उससे पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का क्या होगा। पिछले दो महीने से बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में किस प्रकार से दंगाएं भड़की, इस दंगा में कई एक लोगों की जान चली गई और देखते ही देखते इस दंगा ने इतना भयावह रूप धारण कर लिया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। ये तमाम जो घटनाएं घटित हो रही है बांग्लादेश में, इसे लेकर के पूरी दुनिया में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार उस बांग्लादेश का और बांग्लादेश के शेख हसीना साहिबा का अब क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल बांग्लादेश से भाग करके शेख हसीना भारत में सुरक्षित महसूस कर रही है, उन्हें भारत में रखा गया। जानकारी यह भी है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी बताई है कि हालांकि शेख हसीना ने भारत से मदद मांगी थी और इसलिए मैंने और देश ने उसे बचाने के लिए उन्हें यहाँ पे आश्रय दिया है। फिलहाल शेख हसीना भारत छोड़कर के जाना भी चाहती है, भारत में रहना भी चाहती है। वो चाहती है कि मैं कैसे महफूज जगह पे चले जाए जहाँ पे दूर दूर तक हमें कोई ना रोकने वाला मिले, ना टोकने वाला मिले, ना कुछ पूछने वाला मिले। खबर ये भी है कि इस घटना के बाद अपने ही देश को दंगे की आग में जलते देख करके शेख हसीना सदमे में चली गई है। वो एक तरफ इंग्लैंड या लंदन जाना चाहती है, दूसरी तरफ अमेरिका भी जाने की प्रयास कर रही है, लेकिन अमेरिका को लेकर के तमाम प्रकार की अफवाहें जो है सोशल मीडिया पे इस समय खूब चर्चाओं में है। लंदन से अब तक उनका बुलावा आया नहीं, लंदन के लोग, लंदन वालों ने इनका एक्सेप्ट अब तक किया ना इन्विटेशन। बाकी देखना है कि आगे क्या होगा। फिलहाल एक सवाल सबसे बड़ा है जो पूरे हिंदुस्तान के जेहन में चल रहा है। हर एक हिंदुस्तानी ये सोच रहा है, देश के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या भारत शेख हसीना को अपने यहाँ रखेगी, और अगर रखेगी तो फिर इसके लिए क्या भुगतना पड़ेगा। इस पर भी पूरा देश चर्चा कर रहा है। खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि अगर भारत शेख हसीना को अपने यहाँ रखती है तो फिर इसके विरोध में विपक्षी पार्टियों को जो नेता बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियाँ वहाँ पर बांग्लादेश में स्थित अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग के लोगों पर हमला करना शुरू कर देगा, हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर देगा। ऐसे में यह मामला बड़ा क्रिटिकल है और निर्णय लेना बड़ा टॉप बन रहा है कि क्या शेख हसीना को भारत अपने यहाँ रखेगी। चर्चा करें कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच के रिश्ते कैसे रहे हैं। हालांकि शेख हसीना का लगाव कांग्रेस परिवार से भी बड़ा बेहतर रहा है, हमेशा से कांग्रेस के लोग जो हैं उन्हें अपना बताते रहे, और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी शेख हसीना के रिश्ते बड़े ही अच्छे बताए जा रहे हैं। पिछले कई बारों से कुछ समय से देखा जा रहा है कि शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर के बांग्लादेश और हिंदुस्तान जैसे दिल्ली की परिस्थिति को जो लगातार संबंधों को ठीक करने में लगी थी। फिलहाल बांग्लादेश से भाग करके शेख हसीना भारत में रह रही है और इसका डर जो है अब बांग्लादेश के हिंदुओं को सताने लगा कि अगर मोदी सरकार ने शेख हसीना को भारत में रखा या रखने की अनुमति दी तो फिर बांग्लादेश के हिंदुओं को इसका भारी नुकसान होगा और उन्हें एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश की सरकार कैसे चलेगी इसे लेकर के दो अलग अलग पहलू है। पहला पहलू जैसे वहां की रीति रिवाज रही है कि अगर बांग्लादेश में अचानक कभी सरकार गिरती है या प्रधानमंत्री देश छोड़कर के भाग जाते हैं तो वहां के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उस देश की कमान संभालेंगे, मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे या किसी को बना देंगे। ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति अभी है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री पद के लिए तीन नाम के चर्चा हो रहे हैं, जिसमें पहला वहां के स्वयं आर्मी चीफ की हो रही है, दूसरा एक वहां के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, और दूसरा तीसरा जो है एक और नाम है जो इस समय खूब सुर्खियों में है, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। हालांकि बांग्लादेश की बिगड़ती परिस्थिति को देख करके आप क्या कुछ सोचते हैं, वहां की तस्वीर और वीडियोज को देख करके आपको क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ लंबे समय के बाद इस प्रकार की अगर घटनाएं घटित होती रही तो क्या बांग्लादेश का हालात भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, या एक लंबे समय के बाद में बांग्लादेश की स्थिति सामान्य होकर के पहले की तरह ठीक ठाक से चलने लगेगा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बांग्लादेश से जुड़ी इस अपडेट के लिए आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आगे जो भी अपडेट आती है बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।